नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला और साथ ही साथ आज की अहम खबरें कौन सी थी जिसके चलते आज मार्केट में एक्शन देखने को मिला, ये सब भी आपके सामने हम रखेंगे। आज तीसरे दिन हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन हरे निशान में ही आज बाजार बंद हुआ। निफ्टी 32 अंकों पर, सेंसेक्स में 433 अंकों की कम मजबूती और बैंक निफ्टी भी करीब 180 अंक चढ़कर बंद हुआ। किस तरह का कारोबार रहा और सेकंड हाफ में क्या एक्शन हुआ ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए, आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा? बिल्कुल, देखिए आज बाजार में एक गैप अप एक्सपेक्ट किया जा रहा था और शुक्रवार को भी जब हम गए थे तो ये लग रहा था, उम्मीद थी कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, ओवरसोल्ड थे बाजार और इसको सपोर्ट किया ग्लोबली बाजारों ने। और आज आपने एक गैप अप के साथ देखा ओपन होते हुए ट्रेड को, 15850 के ऊपर हम क्लो ओपन हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को नहीं मिली होगी जो आज ओपन होने के बाद लेना चाहते थे, जो कैरी करके गए होंगे BTST ट्रेड्स, उनके लिए ज़ाहिर तौर पर बहुत अच्छा दिन रहा। लेकिन जो गेंस थे उसे बाजार ने सस्टेन किया। आप देखेंगे 50 और पॉइंट्स तक ही आपने इरोड होते हुए दिखाई दिया होगा निफ्टी पर, लेकिन उसके अलावा 15830 के ऊपर क्लोज होना, यानी आप एक बुलिश साइन पर आज भी क्लोज होके जा रहे हैं कि ये अभी जो अपमूव है, जो ये शॉर्ट कवरिंग अबाउट है, ये अभी भी कुछ दिन के लिए जारी रह सकता है। यहाँ पर आपने सारे सेक्टर्स को आज पार्टिसिपेट करते हुए देखा बाजार में। सबसे ज़्यादा जो आज गेंस निकल कर आए वो IT पैक से। सेक्टोरिकली लिहाज से आप बात करें तो IT पैक आज का बिगेस्ट गेनर भी रहा। उसके अलावा सरकारी स्पेस से आपको बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिले, कोल इंडिया, ONGC जैसे काउंटर्स, एनर्जी पैक से आपको फिर से आज एक पार्टिसिपेशन बाजार में दिखाई दी और साथ ही कमोडिटी स्टॉक से भी आपको आज पार्टिसिपेशन दिखाई दी। अगर हम गेनर और लूज़र निफ्टी के पहले बात करें तो पहले पांच गेनर्स में आपको एनर्जी पैक, IT पैक के स्टॉक्स दिख जाएंगे, ONGC, कोल इंडिया, LNT, टेक महिंद्रा, HCL टेक। तो ये सारे गेनर स्टॉक्स थे जो हमने निफ्टी पर ट्रैक किया, और लूजिंग स्टॉक्स जो थे वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको कुछ ऑटो सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स लाइक कोटक बैंक, इन सब स्पेसेस में अपोलो हॉस्पिटल आज बड़ा लूजर रहा। तो ये कुछ काउंटर्स थे निफ्टी पर जो आपने आज ट्रैक किए दिन भर की मूवमेंट में। मिड कैप स्पेस में कुछ स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मूव्स निकल कर आए, CUB, सिटी यूनियन बैंक, और ये लगातार हम पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि PSU बैंक स्पेस अब परफॉर्म करने चाहिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुई हैं। आप CUB, सिटी यूनियन बैंक को देखेंगे वो 7% की मूव के साथ बंद हुआ। JSW एनर्जी में अच्छा मूव था और साथ ही मिड कैप IT, Mindtree, Coforge, इन सारे स्पेसेस में भी आपको अच्छी तेजी आज देखने को मिली। तो ओवरऑल इट वॉज अ गुड शॉर्ट कवरिंग बाजार में जो दिखी और ऊपर के लेवल सस्टेन भी हुए। हालांकि जिन लेवल्स पर बाजार खुला था वहाँ से थोड़े बैंक निफ्टी की भी पॉइंट्स के लिहाज से सम 150 और 200 पॉइंट्स के हमने गेंस इरोड होते हुए देखे, लेकिन सेंटिमेंट अब भी ब्रॉड बेस्ड रैली थी और सेंटिमेंट अब भी आपको बुलिश ही दिख रहा है बाजार पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देखने के लिए। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग जारी रह सकती है आगे भी, और हर एक सेक्टर आज के दिन कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। सभी सेक्टर हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे, स्पेशली IT स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस मार्केट में हमने दिन भर कुछ एक्सपर्ट से भी राय ली उनकी बाजार पर। और हिलोइस कैपिटल के CEO दिनशा ईरानी का कहना है कि बाजार में वैल्यूएशन 10 साल के एवरेज स्तर पर है, निवेशकों को हर गिरावट में खरीदारी करने की राय। हमें लग रहा है कि एक जो होता है जहर निकल आया मार्केट में वो हो गया है। शायद आपको बॉटम शायद दिख गया होगा, पर कभी बोल नहीं सकते हैं वैसे। पर यही लग रहा है कि अभी डेटा पॉइंट जो आ रहे हैं US से कि वही ड्राइव करने वाला है फ्रेंकली आपको। तो डेटा पॉइंट जो US से आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि शायद वहां पे भी एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड आ गया है कि इन्फ्लेशन इतना कुछ ज्यादा रेयर नहीं करेगा। 8.6% ऑलरेडी हो गया है, क्रूड थोड़ा नीचे आ गया है, और वहां पे जो रिटेलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि देयर इज अ डिप इन डिमांड। तो ऑब्वियसली ये सब जो डेटा पॉइंट है वो यही दिखाते हैं कि डिमांड कम हो रहा है, और उसके चलते इन्फ्लेशन भी, आपने कमोडिटी प्राइसेस में देख लिया करेक्शन कितने जोरों के हैं, कहीं कहीं में तो 50-50% करेक्शन आ गए हैं और 20% तो एवरेज रहे अक्रॉस द बोर्ड। सो ये सब जो होते हैं वो इन्फ्लेशन को टेम डाउन करते हैं। तो उसके चलते तो हमें ये लग रहा है कि एक बार एक पीक आउट हो गया है इन्फ्लेशन के चलते, और हमारा व्यू यही था कि इंडिया में भी
आप देखें तो सितंबर तक हमें ऐसे लग रहा है कि पीक आउट हो जाएगा इन्फ्लेशन, उसके बाद आपको डिप दिखना चालू होगा। बहरहाल अगर जो ये जारी रहा कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते रहे और क्रूड थोड़ा और गिर जाए, तो शायद आपको ज्यादा जल्दी दिखेगा इन्फ्लेशन डिप होते हुए। और अगर जो वैसा रहा तो ऑब्वियसली रिसेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे डिमांड स्लोडाउन की बात हो रही है, और वो हुआ तो बहुत ही हेल्दी है मार्केट के लिए। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो तो अपने 10 साल के एवरेज पे आके अभी डटा हुआ है वहां पे, और दिस इज अ वेरी गुड साइन कि जो प्रीमियम थे वो चले गए। तो हमारा तो व्यू ऐसे ही है कि अभी ये मौका होता है, जब गिरता है बाजार तो हर एक डिप पे आपको ऐड करना चाहिए टू योर पोजीशन। स्पेंड्स वाले जो प्ले हैं इंडिया में, दे अपील टू अराउंड 30 to 35 करोड़ लोगों को अपील करते हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडर्स को, विच इज अ वेरी ह्यूज मार्केट इन इटसेल्फ। तो वो अगर जो आप देखें तो वहां पे हमने अपने पोजीशन बढ़ाने चालू कर दिए हैं उधर। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ही शेयर किया था, जैसे एग्जिबिटर्स होते हैं, मूवी एग्जिबिटर्स, वहां पे अभी तो एक ही प्लेयर रह गया है, तो उसमें तो वी इंक्रीज आर स्टेक। फिर फुटवेयर प्लेयर है जो रिसेंट लिस्टिंग थी, एथनिक वेयर प्लेयर है जो अगेन काफी नई लिस्टिंग थी, मतलब रिसेंट तो नहीं थी बट अभी अभी लिस्ट हुई है, सो वैसा। फिर होटल कंपनियां हैं तो उनमें हमने एक्सपोजर चालू कर दिया। तो एक तो ये स्टेटा था जहाँ पे हमने अपना एक्सपोजर चालू कर दिया, और दूसरा है बैंकिंग, विच हमारे हिसाब से तो एक्चुअली काफी अच्छा होना चाहिए आगे चलते, बिकॉज जैसे ही इकोनॉमी ग्रो होती है, मतलब जैसे एक्सपैंड होती है, और आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि जो आप यूएस में देखे जब 2 ट्रिलियन का 5 ट्रिलियन हो गया था इकोनॉमी, या चाइना जब 2 का 5 हुआ था, तो बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट होता है इस मूव में, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन मूव होता है। और यहाँ पे तो डबल वहमी है, क्योंकि एक तो इकोनॉमी एक्सपेंड होने की बात हो रही है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ रहा है, तो उसके चलते तो इनका मार्जिन भी बढ़ेंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा, तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई ग्रोथ दिखेगा आपको। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार 2023 तक हर राज्य में कम से कम सीएनजी स्टेशन पहुंचाना चाहती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार अब सीजीडी नेटवर्क के एक्सपेंशन प्लान पर नए सिरे से एक रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें अब इस बात पर विचार किया जा रहा है, इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि अब जहां जहां नेटवर्क पहुंच गए हैं उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए और कम से कम समय में कैसे किया जाए। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय जो है वो एक एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि 2023 तक देश के लगभग सभी ज्योग्राफिकल एरियाज में कम से कम एक सीएनजी स्टेशन जो है उसको ऑपरेशनलाइज ज़रूर कर दिया जाए। हालांकि लद्दाख में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। इसके अलावा इस बात की भी रणनीति तैयार की जा रही है कि कंपनियों के गैस सप्लाई के लिए जिस नए यूनिफॉर्म बेस प्राइस मैकेनिज्म की घोषणा सरकार ने की है, उससे उनका जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें तेजी आ सकती है। लिहाजा कंपनियों को इस बात के लिए इनकरेज किया जा रहा है कि वो अब ऑपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि सीजीडी नेटवर्क में जो गैस की डिमांड है वो 2029-30 तक 46 MMSCMD से बढ़कर 85.61 MMSCMD हो जाएगी। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है जो सीजीडी ऑथराइजेशन ट्रांसफ़र रूल्स है उसको सिंप्लीफाई करने पर विचार कर रही है, वो दूसरी कंपनी के लिए भी और अपनी सब्सिडरी के लिए भी। इस पर पीएनजीआरबी ने काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे उम्मीद यह की जा रही है कि जो वेल परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उन्हें नए ज्योग्राफिकल एरिया जो हैं वो मिल सकते हैं। तो बढ़ने वाला है सीजी नेटवर्क का लक्ष्य, और 2023 में पूरे देश में इस नेटवर्क को और बढ़ाने की योजना यहाँ पर बताई जा रही है। तो इनसे जुड़ी कंपनियों पर आप पर नज़र रखिए, MGL, IGL जैसे कंपनियों पर नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हमने देखा कि फर्टिलाइजर शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, और इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए, फर्टिलाइजर शेयर आज क्यों चल रहे थे?
फोकस में रहने वाले फर्टिलाइजर स्टॉक्स, और अब याद रखिएगा कि ग्लोबल ट्रेड में जो है मूवमेंट्स देखने मिले और उसके कारण जो है फर्टिलाइजर प्राइसेस जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच किए थे अप्रैल के महीने में, वो कूल ऑफ देखने को जो है मिल सकते हैं। अब स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे RCF, फैक्ट, NFL, चंबल फर्टिलाइजर से स्टॉक्स 27% से 40% तक का गिरावट जो है अपने हाई लेवल से देखा हुआ है। और ग्रोथ ट्रिगर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है कि जो यूक्रेन में जो ट्रेड है वापस एक्सपोर्ट शुरू हो गए हैं रोड के ज़रिए, और अगर रशिया की बात करें तो वो भी अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर रही है आपकी फर्टिलाइजर्स, लेकिन थर्ड पार्टी के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इंडियन स्टॉक्स है उनके लिए भी एक बेटर जो है प्रपोर्शन रहेगा, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं। और आगे जाते हुए जो सब्सिडी है वो लगभग 2 लाख करोड़ छू सकती है इस साल। इंडिया की जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स की, लगभग 25% आपके यूरिया के रिक्वायरमेंट्स पे है, और अगर अकाउंट करें 90% जो है आपके आते हैं आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को डिमांड देखते हुए। और अगर ग्लोबल प्राइस इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ब्लूमबर्ग फर्टिलाइजर्स की जो इंडेक्स है वो अपनी लाइफ टाइम हाई से 19% करेक्ट कर चुकी है। अगर जून महीने की बात करें तो लगभग 9% का गिरावट देखने मिला है। बिल्कुल, दिन भर अच्छी तेजी में फर्टिलाइजर शेयर आज कारोबार करते हुए नजर आए। हालांकि आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से पॉइंट वाइज हल्की गिरावट भी देखी गई, लेकिन मजबूती के साथ ही क्लोजिंग यहाँ पर फर्टिलाइजर शेयरों की देखने को मिली है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं एयरलाइंस कंपनियों की, और ये काफ़ी समय से फोकस में है। जिस तरह से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, एयरलाइन कंपनी भी इसके चलते फोकस में आ चुकी है, क्योंकि पिछले 4 महीने में 3 बार हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है कंपनियों की तरफ से। कुछ रूट्स पर 225% तक का इजाफा भी हमने देखने को मिला, और कितना महंगा हो चुका है हवाई सफ़र और इसके पीछे की वजह क्या है, जानते हैं सौम्य सरकार से। सौम्य बताइए। एयर फेयर्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों में 3री बार बढ़ा दिया गया है। पहला मेजर हाइक आया था मार्च में, दूसरा मेजर मई में, और अब जून में वापस से एयरलाइन कंपनीज़ ने एयर फेयर्स जो है वो हाइक कर दिया। अगर आप 7 डे फॉरवर्ड बुकिंग के प्राइसेस देखेंगे तो वो करीब 4% to 15% से बढ़ा दिए गए हैं, और 2 मंथ फॉरवर्ड के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 6% to 10% से उनकी इंक्रीज़ हुई है। अब ये प्राइसेस हमने आज सुबह चेक की थी तो 7 डे फॉरवर्ड हो जाएंगे जुलाई 4th के टिकट प्राइसेस, और 2 मंथ फॉरवर्ड हो जाएंगे अगस्त 26th के टिकट प्राइसेस। अब अगर आप टॉप 5 रूट्स देखेंगे जहां पे सबसे बड़ी हाइक आई है 7 डे फॉरवर्ड में, तो उसमें रूट्स आते हैं जैसे कि हैदराबाद मुंबई, बैंगलोर मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई। इन 5 रूट्स में जो टिकट प्राइस हाइक हुआ है वो करीब 6% to 15% हुआ है। अगर 2 मंथ फॉरवर्ड में अगर आप टॉप 5 रूट्स में देखेंगे तो करीब 10% का हाइक हुआ है सारी ही रूट्स में। अब पिछले 4 महीने में जो 3 बार हाइक हुआ है उसमें से टिकट प्राइसेस हुए हैं वो करीब 26% to 47% से बढ़ गए हैं 7 डे फॉरवर्ड के बुकिंग रेट्स, और 2 मंथ फॉरवर्ड के जो बुकिंग रेट्स है वो करीब 7% to 225% से बढ़ चुके हैं। तो एक बड़ा मेजर हाइक देखने को मिला है पिछले 4 महीनों में टिकट प्राइसेस में। अब इसके पीछे एक ही कारण है, वो है फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ गया है। फ्यूल प्राइसेस एक एयरलाइन कंपनी के लिए करीब 45% to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है, और ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड करीब 45% से बढ़ चुका है, और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस है इंडिया में वो करीब 90% से बढ़ चुके हैं। अभी अच्छी बात है कि एयरलाइन कंपनीज कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रही है जिनके वजह से उनका मार्जिन मेंटेन रहेगा, बट कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस प्राइस हाइक को ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो अभी जो एयर ट्रैफिक है वो अभी भी पीक प्री कोविड लेवल के नीचे ही करीब 80% के आसपास एयर ट्रैफिक चल रहा है, तो आगे जाके एयर ट्रैफिक कैसे ट्रेंड आउट करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और आज श्रिम्प शेयर भी फोकस में थे, सोयाबीन की कीमतों में कमी से श्रिम्प शेयरों में हमने देखा कि 1.5% से 4% तक की तेज़ी देखने को मिली, और इस तेज़ी की वजह क्या थी ये भी जान लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च के साथ। शरद बताइए, जो श्रिम्प कंपनियां हैं अवंती फीड्स जैसी कंपनियां हैं, वहाँ पर आज तेज़ी की वजह क्या थी? देखा गया है कि ग्लोबली जो ग्लोबल एक्री प्राइजेज हैं उनमें जो है करेक्शन देखने मिली है। आप कॉटन ले लीजिए, आप सोया मिल ले लीजिए, और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो कॉमोडिटीज़ है यहाँ पे लगभग 30% से लेकर 50% तक का इस महीने इटसेल्फ जो है एक टाइप से करेक्शन देखने मिला है, और इस करेक्शन का इम्पैक्ट जो आपके श्रिम्प स्टॉक्स में भी देखने मिला है। उनकी जो रॉ मटेरियल है सोया मिल जो कहते हैं प्राइसेस, वहाँ पे करेक्शन इस महीने देखने मिली है, और जो लगभग कह सकते हैं 1.5 साल पहले जो भाव था लगभग 95 रुपीज़ पर केजी का, अब वो गिर के 49 रुपीज़ पर केजी हो गया है। ऑफकोर्स जो खाद्य तेल है उनमें भी जो है गिरावट देखने मिली, तो इसका ये बाई प्रोडक्ट है। अब इम्पैक्ट के हिसाब से बात करें तो श्रिम्प स्टॉक्स हैं जो उनकी जो फीड बिजनेस है जैसे अवंती फीड्स ले लीजिए,
एपेक्स फ्रोजन और स्मॉल कैप में वाटर बेस, ये तीनों स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20% का जो है गिरावट देखने मिला और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 6% का जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस जो डोमेस्टिक रेट्स हैं उनमें गिरावट देखने मिली है। लेकिन ये जो रेट्स गिरावट हुई है इनमें तीन अहम कारण है कि आगे जाते हुए भी जो रेट्स हैं या तो स्थिर रहेंगे या थोड़े कम हो जाएंगे, तो उसको सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस कहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि जो सोय मिल की एक्सपोर्ट्स है वो अभी कम हो चुकी है आंकड़ों के हिसाब से, और गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया इम्पोर्ट्स जो सोय मिल की होती है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए होती है। और आखिर में जो गेहूं की जो बैन लगी है एक्सपोर्ट की उसके कारण जो है प्राइसेस स्थिर रह सकते हैं। अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो ये तीनों अहम जो स्टॉक्स हैं आपके फीड स्टॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 38-51% का डीग्रोथ अपने 52 वीक हाई लेवल से देखने मिला है। आगे जाते हुए हालांकि आप देख सकते हैं चौथे तिमाही में जो है श्रिम कंपनीज के मार्जिन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और जो आगे जाएंगे तो इसमें जो है और इम्प्रूवमेंट होने की जो है आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल, और इस खबर के चलते आज हमने देखा अवंती फीड्स एपेक्स फ्रोजन वाटर बेस्ड सजेशन शेयरों में करीब 3-4% की बढ़त भी देखने को मिली है। अब एक और खबर का रुख करते हैं। वीकेंड के दौरान एक बड़ी खबर आई, ब्लिंकिट को जोमैटो के खरीदने की जो खबर हमने आपको पहले बताई थी उस खबर पर मुहर लग चुकी है। और कंपनी के लिए ये ब्लिंकिट की डील कैसी हो सकती है, क्या कुछ असर पड़ेगा या क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, इस पूरी डील के फायदे और चिंताएँ समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी बताइए, जोमैटो की बात करें तो ये जो डील हुई है वो अराउंड 4,400 करोड़ की डील है। यहाँ पे ये जोमैटो ब्लिंकिट की डील वो क्या करेगा, जोमैटो के लिए इंक्रीज ऑर्डर बढ़ाएगा, लो कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगा उनको डिलीवरी, क्योंकि दोनों की डिलीवरी कंबाइन हो जाएगी, तो ये एक सिनर्जी है। उसके अलावा मैनेजमेंट बिलीव करता है कि जो ब्लिंकिट का ब्रेक इवन पॉइंट है एडजस्टेड इबिटा के लिए वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो ब्रेक इवन हो जाएगा, और हायर ऑर्डर जो थ्रूपुट है लोअर डिलीवरी कॉस्ट है दैट विल वो उनकी जो कैश बर्न होती है वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा पर वो एक प्लान है और स्ट्रैटेजी है आगे जाते हुए ना। ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जोमैटो की, वो वहाँ पे 5-10% सिनर्जीज डिलीवरी कॉस्ट पे सिर्फ सिनर्जीज उनको मिलेगी ये ब्लिंकिट के एक्विजिशन के बाद। और जो ब्लिंकिट की जो डार्क स्टोर्स की थी जो जिसकी वजह से ज़्यादा कैश बर्न हो रहा था वो थोड़ा स्केल डाउन हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने उनकी जो डार्क स्टोर्स थे वो स्केल डाउन कर चुके हैं, और अभी उनके डार्क स्टोर्स है 400 डार्क स्टोर्स है, प्रीवियसली थे 450 डार्क स्टॉक्स, तो लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने वो काफ़ी रिड्यूस किया हुआ है। नो CLSA ने बाय स्टांस मेंटेन किया है जोमैटो पे और टारगेट दिया हुआ है 85 रुपीज़ पर शेयर। वो क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लिंकिट की वैल्यूएशन है ऑल स्टॉक डील फुल ओनरशिप है, फूड डिलीवरी प्रॉफिटेबिलिटी जो उनका टारगेट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, तो ये एक पॉजिटिव है। और एनहेंस्ड उनको कंज्यूमर एंगेजमेंट भी मिलेंगी जो क्विक कॉमर्स की साइड पे है, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। और CLSA ने मेंटेन किया हुआ है बाय रेटिंग, और क्रेडिट स्वीस ने भी बाय आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन किया और टारगेट प्राइस दी हुई है 90 रुपीज़ पर शेयर। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जोमैटो की कैश रेवेन्यूज जो है वो एंश्योर करेगी, सफिशिएंट फंडिंग होगी, ग्रोथ भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ते रहेगा, और ओवरऑल एक्विजिशन उनकी जो इबिटा लॉस है वो लाइकली रेज करेगा उनके इबिटा लॉसेस को, बट ओवरऑल फूड डिलीवरी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी उनकी ट्रेंड में। तो जोमैटो श्योरली एक स्टॉक है जो वॉच आउट करेंगे आज के ट्रेड में। बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये जानकारी देने के लिए। तो विनी हमें बता रही थी इस पूरे मामले के फायदे और क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं, और जोमैटो के लिए ब्लिंकिट के साथ की डील को कुछ महंगा बताया जा रहा है, ब्रोकरेज हाउस के भी क्या व्यू बन रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ETNews स्वदेश पर, खबरों का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। नमस्कार।